अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। मैंने वजीर आजम बनने से पहले ये कहा था कि पाकिस्तान किसी से भीख नहीं मांगेगा। मैंने मजाक किया था। मैंने ये भी बताया था कि बाहर की दुनिया से लोग पाकिस्तान में नौकरियां करने आएंगे। मैंने ये भी मजाक किया था। मैंने मजाक किया था, आप लोगों ने सीरियस लिया और मुझे वज़ीर आज़म बनाया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मजाक को मजाक समझना चाहिए और जो बात मैं सीरियस करता हूँ उसको सीरियस लेना चाहिए। उसके बाद मैंने बात की थी तब्दीली की, तो तब्दीली आप देख रहे हैं, असद उमर को हटाया, किसी और को मिनिस्ट्री दिया, इसी तरह ये तब्दीली जारी रहेगी और मुस्तकबिल में आप में से किसी को भी चांस मिल सकते हैं पाकिस्तान की वजारत के अहदे का। कीमतें इसलिए बढ़ाया ताकि हमारी चीज की कदर हो। पहले पाकिस्तानी को कदर नहीं थी, अब हर चीज महंगा होता जा रहा है। पाकिस्तानियों को इस चीज की कदर है कि ये महंगी चीज है तो कम इस्तेमाल करेंगे। अगर चीजें महंगी होगी तो आपकी डिमांड कम होगा, आपकी सेविंग ज्यादा होगा। इस तरह हमारा मुल्क अमेरिका से आगे जाएगा। बिजली का लोड शेडिंग इसलिए किया जा रहा है ताकि आवाम को थोड़ा सुकून हो। अगर बिजली रहेगी आप लोग काम करते रहेंगे, अब किसी हद भी जरूरी है, इसलिए हमने बिजली का लोड शेडिंग किया ताकि आवाम वक्त पे सो जाए, ताकि जहनी तौर पर पाकिस्तानी तैयार रहे, जहनी तौर पर सुकून हासिल करें। और इस तरह लोड शेडिंग इंशाल्लाह हम जारी रखेंगे और इसका दौरानिया थोड़ा इससे ज्यादा करेंगे ताकि आप एक नया पाकिस्तान देख सकें। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।